भैया तवांग इसी में ना ठीक। तो कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि शाम हो गया था और दिरांग जाने का कोई चांस ही नहीं था। बेवकूफ़ी बता दिरांग जाना है कल रात में। पूरा जो रोड था वो पूरा फॉगी हो गया था और अभी टाइम हो रहा है 8:12। बोल रहे कि सेला पास में बर्फ़ गिरा है तो आंटी बोली कि अगर देखो वहाँ तक जाना, अगर बर्फ़ रहेगा रोड पे तो वापस आ जाना, वही सुबह लेना। तो लेट्स सी अब क्या होता है यार, बुकिंग भी कर दिया है मैंने, तवांग का पेड़ भी कर दिया है क्योंकि लास्ट नाइट वाला मैंने कैंसिल कर दिया है दिरांग का, तो वही फिर भाई कैश ही मांगा फिर बुकिंग के लिए, इसीलिए तो ऐसा कुछ है। और लेट्स सी किस्मत में क्या है, जो किस्मत में रहेगा वही है। रिस्क तो नहीं लूँगा क्योंकि अकेले हैं और बाइक गिरेगा तो फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। एक व्हीकल तो मिल गया, अभी कहाँ जा रहा नहीं पता, दिरांग जा रहा है या कहीं और तक जा रहा है। लेकिन टिम्सन का टायर या ट्रैक्शन बहुत दे रहा है, चाहे स्लश हो। तिरांग 40 किलोमीटर, तवांग 153 किलोमीटर और तिरांग में पेट्रोल मिलेगा ऐसा बोला है सब कोई। वहाँ पेट्रोल पंप है तिरांग में, तो तिरांग में पेट्रोल भराना है फिर करा के निकलना है। अच्छा हाफ टैंक से भी ऊपर दिखा रहा है लेकिन रिस्क नहीं लेना है मुझे क्योंकि पता चला तवांग पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया और इतना भारी गाड़ी को ढकेल के ले जा रहा वही पहाड़ में। हाई नहीं हाई भैया, पेट्रोल पंप है यहाँ पे? हाँ पेट्रोल पंप है दिरांग में, पेट्रोल पंप है। कहाँ पर? आगे अभी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर भी नहीं है। हाँ ठीक है, सेला पास यहाँ से और 30 किलोमीटर दिखा रहा है। ठंड बढ़ गया भाई और जितने भी आर्मी के व्हीकल्स आ रहे हैं ना सारे के ऊपर बर्फ़ गिरा हुआ था, सारे गाड़ियों के ऊपर बर्फ दिखा मुझे। पूरा फ्रेश स्नो हुआ है देख लो, ठंडा नहीं है मतलब कि बस बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ का कारण देख के आदमी को ठंडा लग रहा है, ठंडा उतना नहीं है। हल्का हल्का हाथ हिलाते रहो तो हाथ जाम नहीं होगा। और अभी एक आर्मी वाले से बात हुआ तो वो बोल रहे थे कि जो सेला गेट है, सेला गेट से पूरा धूप निकला हुआ है, पूरा रोड क्लियर है, बस यही जो 8-10 किलोमीटर है ना सेला का गेट तक, ये बहुत टफ है। तो वही बोल रहे थे कि यार अकेले मत करो, अब सोच रहा हूँ कि आगे जाओ या ना जाओ, यार इतना दूर 8 किलोमीटर बस करना है, उस पर फिर तवांग है, तो वही सोच रहे हैं। और लौटते समय यार कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, सुबह सुबह निकलेंगे तो अगल बगल होटल में पता कर लेंगे यार कि कोई बोमडिला साइड कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उनके साथ ही चल आ जाएंगे साथ में। तो वैसा है कुछ बात यार, इतना दूर आके ना 8 किलोमीटर बस सेला गेट छूना है, वो 8 किलोमीटर बस। अब बोल रहे थे अभी रोड दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा बर्फ़ है ये, और मेन चीज़ है कि ये मिट्टी नहीं है, ये बालू है या फिर क्या बोलते पत्थर का चूर है, इसलिए इतना गाड़ी इतना स्लिप नहीं कर रहा। अगर मिट्टी रहता ना, पीछे मिट्टी था, मेरा गोप्रो ऑन नहीं था, वहाँ मिट्टी था और बर्फ़ मिक्स था तो वो हल्का स्लिप कर रहा था। और आगे तो बोल रहे हैं कि आगे तो पूरा रोड ही गायब है, पूरा बर्फ़ ढका हुआ है रोड।
मैं रस्सी उससे कुछ नहीं लाया हूँ, रस्सी ने तो बांध देता उसमें टायर में। वैसे टायर तो टिमसन का ग्रिप तो बना हुआ है, लेकिन लेट सी। और गाड़ी को ऑफ नहीं करना है, नहीं तो फिर चल जाएगा चांद पे। गाड़ी को ऑफ नहीं करना है, गाड़ी को ऑफ नहीं करना है। जितना आसान लग रहा है वीडियो में उतना आसान नहीं है बॉस। मैं 1 किलोमीटर आगे गया, वापस आ गया। बोला नहीं हो पाएगा भाई, अकेले नहीं हो पाएगा ये। ट्रक आ रहा है, अब तो वापस जाना चाहिए था। वापस जा रहे हैं, वापस उधर से पकड़िए। सेला पास 10 किलोमीटर यहाँ तक आके वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे और सही टाइम पे आएंगे। लेकिन मज़ा आया। हाँ, जो होटल का 1500 रुपये वो तो डूब गया। तो रिजॉर्ट तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो क्या कि ओयो का इनके साथ टाई अप नहीं है। जो ओयो शो कर रहा है वो पहले था, अब नहीं है। तो ये है बोट, तो अभी हम लोग को दूसरा होटल खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग बुक करेंगे तो हम लोग को पड़ेगा अराउंड 3000 रुपीज़। हो गया है, तो हो गया है कैंप। हम सोचे थे कि बस रूम पे जाके सोना है अब और व्यूज का मजे लेना है, लेकिन ये जो रिजॉर्ट है बहुत
जबरदस्त जगह में मतलब सब प्रॉपर्टी है। पता करते हैं। हाँ और भाई क्या नज़ारे हैं, मतलब यहाँ से व्यू देखो ज़बरदस्त। अगर सुबह उठो और ये देखने को मिले तो क्या बात है। तो अभी मैं हूँ दिरांग में, आज दिरांग में स्टे करने का प्लान है। तो हम लोग आ गए वापस सेला पास से। सेला पास तो नहीं हो पाया बॉस, क्योंकि यार लाइफ है तो फिर सेला पास भी तो है ही हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट टाइम किया जाएगा। और ये जो होटल है जिस पर अभी स्टे कर रहे हैं, इसका नाम है होटल पेमलिंग दिरांग में। जस्ट मार्केट छोड़ोगे 3-4 किलोमीटर बाद मिल जाएगा ये। और यहाँ का व्यू जो है वो मैं कल दिखाऊंगा, और जो होटल का जो पूरा व्यू है कल ही दिखाऊंगा। और मेरे को मिले दो भैया लोग, हम लोग मिले सेला पास में, तो हम लोग साथ में भी स्टे कर रहे हैं। और देखते हैं अब कल का प्लान क्या है, क्योंकि असम में भी प्रॉब्लम चल रहा है और सेला पास तो खैर बंद है। तो सेला पास अब फिर ट्राई करने से फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो फिर ब्लॉग आज यहीं एंड करते हैं। और सेला पास यार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे, लेकिन समर में करेंगे। तो चलो फिर।